स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजलि काश कोई इस तरह भी वाकिफ हो मेरी जिंदगी से कि मैं बारिश में भी रहूं और वो मेरे आंसू पड़ ले जी हाँ आपने सही सुना हम आज के बाद बर्थडे है या एनिवर्सरी है।, है उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेष तो चलिए अब शुरू करते हैं बहुत मतलब ही है यहाँ के लोग पहले करीब आते हैं फिर आदत बनाते हैं और जब प्यार हो जाए तो छोड़कर चले जाते हैं सभी इंसान हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना ही है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म हैं। आपको भी आपके अपनों ने जख्म दिए लेकिन आप चुपचाप सेंड करते गए वो इसलिए कि आप जानते हैं कि दुनिया का यही दस्तूर है इंसान बहुत ही खुद है पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और जब नफरत करे तो अच्छा ही नहीं देखता हमेशा समझौता करना सीखिए क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए शुभ रंग रहने वाला है पर्पल और शुभ अंक रहने वाला है पांच है। आज चंद्रमा गोचर कु के दूसरे भाव में है आपकी भावनाएं चेहरे पर साफ नजर आएंगी लिहाजा अच्छा सोचे और अच्छे ही काम करें अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आप कुछ नए काम या कोशिश कर सकते हैं बिजनेस में जो नए ऑफर मिलेंगे उन पर विचार करें आपको फायदा हो सकता है किसी बिगड़े रिश्ते को सुधारने में आप सफल रहेंगे रोजगार के मामले में किसी से सलाह जरूर लें अपनी उदारता पर कंट्रोल करें किसी बड़े काम में घबराहट होगी जिसे नुकसान का डर लगा रहेगा बुरे आदतों से परहेज करिएगा वरना परेशानी बढ़ेगी नशे से दूर रहे कोई राज की बात उजागर हो सकती है सोच समझ कर बोलेगा आज जो है आपको समय का विशेष रूप से ध्यान रखना ही होगा किसी भी मामलों में आपका जो चाल मटोल रवैया है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है अपने लिए पूरा शेड्यूल तैयार करें और उसका सख्ती के साथ पालन करें आपको लोगों पर विश्वास रखना और उनको समय देना जरूरी है कुछ लोगों को टारगेट हासिल करने में परेशानियों का सामना काफी करना पड़ सकता है जॉब पाने या उसे बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत पड़ सकती है कुछ लोगों को सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखने की आज मैं आपको सलाह देती हूं आपका मनोबल और पूरी तरह से अपने काम पर समर्पण भाव आपके लिए नई उपलब्धियां लाएगा आपके थोड़ी सी मेहनत के भी भरपूर फल मिल सकते हैं इसलिए आज आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए आपका शक्की स्वभाव आपके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर सकता है बच्चों पर ज्यादा अनुशासन रखना उनके लिए परेशानी खड़ी करेगा इसीलिए आपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखिए तो उनको अच्छा लगेगा पिता का सम्मान करें कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं आज के दिन आज का दिन जो है आपके लिए कुछ नया और अच्छा करने का भी है आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करने में काफी आनंद आ सकता है सामूहिक सफलता आपको आगे बढ़ने की और प्रेरित कर सकती है कुछ लोग आपकी लीडरशिप में अच्छा काम कर पाएंगे स्वीकार होंगे क्रिएटिव कामों से जुड़े लोगों को इस समय विशेष रूप से सफलता मिलने की ओर संकेत मिल रहे हैं ऐसे सितारे आपके बन रहे हैं आपको किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले ये सोचना होगा कि क्या ये रिश्ता आपको खुशी दे रहा है या नहीं दे रहा है इस समय जो है आपके जीवन में कुछ बदलाव भी आने वाले हैं घर में मेहमानों का आगमन भी हो सकता है जिससे घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खुशनुमा रहेगा और आपको भी बहुत अच्छा रहेगा आज आप पूरी तरह से आराम के मूड में भी रहेंगे घर में कोई नई चीज लाने के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं कभी कभी आपका आक्रामक जो स्वभाव है वो आपके परिवार के सुख शांति को भंग भी कर सकता है इस बात पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा खासकर बच्चों पर उनके साथ जो है आज आपको दोस्ती पूर्ण व्यवहार करना चाहिए ऐसा वातावरण आपको घर में बनाना चाहिए पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई मतभेद भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आपका झगड़ा आपके पिता या फिर भाई के साथ हो जाए तो आज आपको इस चीज पर भी बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह का झगड़ा ना होने पाए वहीं आज अगर हम बात करें लव लाइफ के बारे में तो आज लव लाइफ में प्रेम संबंध प्रगाढ़ रहेंगे आपसे संबंधों में घनिष्ठता आपको एक नई चुस्ती स्पूर्ति प्रदान कर सकती है आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग आज आपको भी मिल सकता है रिश्तों के मामले में आपको कुछ चीजें साफ समझनी होंगी अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उससे आपको प्यार मिलना भी तो चाहिए जो लोग आज प्रपोजल करना चाहते हैं प्रपोज करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लीजिए ये समय बहुत ही अच्छा है आज का आपको विपरीत लिंग वालों से भावनात्मक आघात भी आज के दिन पहुंच सकता है लेकिन आपका जो शंकालु स्वभाव है वो समस्या का कारण बन सकता है इसीलिए ये सभी प्रेम संबंधों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान कर, केंद्रित करने का भी है आज अपने साथी पर विश्वास भी रखेगा और उन्हें प्यार दें वे आपको खुश करेंगे चलिए बात करते हैं बिजनेस और करियर के बारे में क्या कहते हैं आज के दिन अपनी योजनाओं को किसी के सामने ज्यादा जाहिर मत कीजिएगा आपकी गुप्त योजनाएं आपके काम में फायदा पहुंचा सकती है इस समय कहीं से अचानक से आपको धन लाभ भी हो सकता है ऐसी उम्मीद दिख रही है बस अपने फैसले को मान्यता सही दीजिएगा पब्लिक डीलिंग के कार्यों में में आज आपको फायदा हो सकता है। नौकरी में सफल होने के लिए आपको प्रयास करने की जरूरत है समय प्रबंधन पर ध्यान लगाइएगा टारगेट की टाल बटोल जो है वो मत कीजिएगा आपको टाइमलाइन पर फोकस ज्यादा करना पड़ेगा इससे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं आप किसी टीम में सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं आपके विचारों को सभी के द्वारा आसानी से स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि आपकी सोच ज्यादा बेहतर है इस समय आपका मार्केटिंग संबंधी काम थोड़ा ध्यान से आपको करना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी पेपर वगैरह रखकर भूलने की संभावना भी बन रही है यानी कहीं पर आप डॉक्यूमेंट्स रखेंगे तो भूल जाएंगे गैर सरकारी कामों में फायदा हो सकता है विरोधी पर, परास होंगे लेकिन अगर आप गैर सरकारी काम अभी ना करें तो ज्यादा बेहतर है वही काम करें जो लॉयल है चलिए अब बात करते हैं हम स्वास्थ्य के बारे में कुछ बुखार की वजह से थकान और ऊर्जा की कमी आज आप काफी ज्यादा महसूस कर पाएंगे किसी तरह के इन्फेक्शन की भी संभावना दिख रही है इसलिए आज आपको पूरी तरह से अपना ध्यान रखना ही होगा बीमारियों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद को अपनाने की कोशिश के लिए बहुत ही अच्छे दिमागी काम करने से सिर दर्द की की या माइग्रेन समस्या हो सकती है साथ ही साथ में पेट में गैस या दर्द की शिकायत रहेगी ताजा फलों के जूस और खान पान में साफ सफाई की ओर ध्यान देना ही होगा आंखों का संक्रमण आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है ऐसे में ज्यादा मोबाइल और टीवी देखना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है चलिए बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में तो आज आपको जो है भगवान गणेश जी को दूरवर चढ़ाना चाहिए या फिर मोती चूर के लड्डुओं का भोग भी लगा सकते हैं साथ ही साथ में अगर आप कहीं दान दक्षिणा देना चाहते हैं तो गुप्त रूप से दान कर सकते हैं बहुत अच्छा फायदा हो सकेगा अगर आप किसी एक भी गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको भगवान की प्रसन्नता अवश्य मिलेगी और हाँ अपने भाई बहनों से आज मत लड़िएगा उन्हें प्यार करें तो बेहतर रहेगा तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा धन्यवाद